दोस्तों नमस्कार, मैं मनजीत सिंह और आज आपको मैं विजिट कराऊंगा आरसीएम बिजनेस का नंबर वन प्रोडक्ट हरित संजीवनी का प्लांट। दोस्तों ये प्लांट रविंद्र सिरोरे जी और किरण राव जी के मेहनत का नतीजा है और ये जो कंपनी है एग्री सर्च जो इसका नाम है। दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार होता है, किस तरह से उसकी पैकेजिंग होती है। दोस्तों ये जो वेसल्स देख रहे हैं यहाँ अपना प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में रहता है और जितने वेसल्स लगे हुए हैं उसमें अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। ये वेसल्स का निचला हिस्सा है जो आप देख रहे हैं और ये है ऊपर का हिस्सा जहाँ पे कि पंप के द्वारा प्रोडक्ट को लाया जाता है लिक्विड फॉर्म में और यहाँ पे वो प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में अलग अलग टैंक में अलग अलग फॉर्मेशन उसका होता है। दोस्तों आप देख लीजिए किस तरह से प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है यहाँ पे। और मैं बता दूँ कि ये हमारे कोर लीडर का विजिट है हरित संजीवनी के प्लांट में जिसका नाम है एग्री सर्च और ये हैं हमारे किरण राव जी। दोस्तों इस प्रोडक्ट के यदि गुणवत्ता की बात करें तो ये भारत की टॉप 5 कंपनियों में से एक है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन हमारी जो कंपनी है ये कंपनी ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोडक्ट बनाती है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाता है और ये जो चेहरे आपको दिख रहे हैं ये हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं लोग जो आज प्लांट विजिट में आए हैं और ये हमारा प्लांट का हिस्सा है। दोस्तों ये एक यूनिट है, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पे इससे 5 गुना ज़्यादा क्षमता वाला एक दूसरी यूनिट भी है और यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर के दूरी पे एक और यूनिट है जिसकी क्षमता लगभग इस यूनिट से 2 गुनी है। तो मैं बता दूँ दोस्तों, जैसा कि मैं प्रोडक्ट के विषय में कर रहा था, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में तैयार होता है और उसके बाद उस तैयार प्रोडक्ट को हमारे लैब में चेक किया जाता है कि प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इसके गुणवत्ता में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। क्योंकि एक बार प्रोडक्ट जब पाउडर फॉर्म में आ जाए तो उसमें फिर कोई सुधार नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रोडक्ट को पहले लिक्विड फॉर्म में तैयार किया जाता है अलग अलग प्रोसेस के द्वारा और उसके बाद फिर ये पंप के माध्यम से, यहाँ हाई प्रेशर पंप लगे हुए हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को एक फसल से दूसरे फसल में, एक एरिया से दूसरे एरिया में लेके जाते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक यहाँ पे काम होता है दोस्तों। और अपने इस यूनिट का जो ये हिस्सा है जहाँ पे कि लिक्विड फॉर्म में प्रोडक्ट को तैयार किए जाते हैं, ये है हमारे प्रोडक्शन मैनेजर जो हमें प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं और ये है हमारा फैक्ट्री का बाहर का हिस्सा, ये निचला हिस्सा है जो आप देख पा रहे हैं और ये फैक्ट्री के बाहर का जो हिस्सा है। दोस्तों अब हम लोग चल रहे हैं उस जगह पे जहाँ कि हमारे प्रोडक्ट को लिक्विड फॉर्म से पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों ये जो मशीन है इसमें जो टैंक इस्तेमाल होता है उसका लंबाई लगभग 45 से 47 फीट की होती है और ये वही मशीन है जो मिल्क को पाउडर में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल की जाती है। उसी मशीन के द्वारा हमारा ये प्रोडक्ट पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं इस मशीन का ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में आता है और मशीन के अंदर उसको स्प्रे किया जाता है। इसके अंदर लगभग जो टेम्परेचर होता है वो 240 डिग्री के आसपास होता है और उससे भी ज़्यादा किया जा सकता है लेकिन फिर वो प्रोडक्ट जल जाएगा, इसलिए इसको 240 डिग्री के तापमान पे
रखा जाता है। मशीन में वो लिक्विड प्रोडक्ट स्प्रे होता है और वो मशीन उसको पाउडर के रूप में कन्वर्ट कर देता है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये है हमारा वो हिस्सा जहाँ पे कि प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, और ये है अपना वो जगह जहाँ से कि ऑपरेट किया जाता है। देखिए, इस पाइप के माध्यम से हमारे जो प्रोडक्ट है लिक्विड से पाउडर में कन्वर्ट होके यहाँ पे जमा हो रहे हैं, और यहाँ से फिर प्रोडक्ट जाते हैं अपने पैकेजिंग यूनिट में। ये जो आपने देखा वो वेस्टेज आइटम था, और अब हम लोग चल रहे हैं हमारे उस हिस्से में जहाँ की प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये है हमारा स्टोर जहाँ रॉ मटेरियल आता है। मैं रॉ मटेरियल के बारे में एक बात आपको कहना चाहूँगा कि अपने यहाँ जो रॉ मटेरियल आते हैं, पहले उसमें से जितने भी हैवी मेटल्स हैं उसको बाहर कर दिया जाता है। ये अपना स्टेज वन का प्रोडक्ट पैक हो रहा है दोस्तों। तो मैं बात कर रहा था कि जितने भी हैवी मेटल्स हैं उसको बाहर कर दिया जाता है, ताकि उससे जो बड़े बड़े रोग होते हैं वो हमारे किसानों को ना हो। ये अपना अभी जो आपने देखा वो स्टेज टू का प्रोडक्ट था जिसकी पैकेजिंग चल रही थी, हरी संजीवनी का। और ये अपना प्लांट है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो ट्रक लगी हुई है जिससे कि माल अपने डिपोज में जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों कि जितने भी हैवी मेटल्स हैं, जैसे आर्सेनिक हो गया या और वो मेटल जिससे कि बड़े बड़े रोग होते हैं, तो इसका बहुत ही ध्यान रखा जाता है, ताकि हमारे किसान यूज करें तो उसका कोई साइड इफेक्ट उनके शरीर के ऊपर ना आए। जैसा कि हमें बताया जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज देखें भारत की कृषि की जो वस्तु स्थिति है वो दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। हमारा देश कृषि प्रधान होते हुए भी हमारे देश के किसान गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट हमारे किसानों के ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ी क्रांति ला सकता है। और मैं दोस्तों अपने इस यूनिट के विषय में बताऊं, इसकी जो क्षमता है वो 500 से लेकर 10,000 किट एक दिन में तैयार कर सकता है, यानी कि महीने में 3,00,000 किट तैयार हो सकते हैं इस प्लांट में। इतनी बड़ी क्षमता है सिर्फ इस यूनिट का। इसके अलावा भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 यूनिट है, और ये जो जगह है जहाँ की हमारे लिक्विड प्रोडक्टों का पैकेजिंग होता है, जैसे स्प्रे मैक्स है। तो अभी स्प्रे मैक्स का ही पैकेजिंग चल रहा है यहाँ पे, और आप देखें डब्बे को लाइन में किया गया है। और ये जो सामने मशीन दिख रही है वो रिफिलिंग मशीन है, फिलिंग मशीन है। ये मशीन डब्बे को फिल करती है और उसके बाद डब्बा यहाँ आता है जहाँ पे कि कैपिंग किया जाता है। एक कैप अंदर वाला लगने के बाद आगे जब ये डब्बा जाता है तो वहाँ दूसरा कैपिंग और सील होता है, और उसके बाद फिर डब्बे में स्टिकर लगाया जाता है, उसके बाद उसकी पैकेजिंग की जाती है। तो दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने का कि कैसे इस डब्बे में रिफिल किया जाता है हमारे लिक्विड प्रोडक्ट को। और उसके बाद ये देखिए, अभी आप कैपिंग हो रही है। ये मशीन है जो ऑटोमेटिक एक बार में 4 डब्बे को रिफिल करती है, और रिफिल करने में जो इसको वक्त लगता है दोस्तों, हमारे हिसाब से ये मशीन 4 से 5 सेकंड में 4 डब्बे को फिल कर देती है, और तब जाके आगे जाता है पैकेजिंग में, और उसके बाद सील होता है, और तब अपने इस प्रोडक्ट पे स्टिकर लगाया जाता है, और उसके बाद ये प्रोडक्ट फिर पैक होता है और फिर रेडी टू मूव होता है, जाने के लिए तैयार होता है। तो बहुत ही शानदार प्रक्रिया से यहाँ पे प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। और दोस्तों, न सिर्फ भारत में बल्कि हमारे कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो अमेरिका, केनिया, बांग्लादेश, टर्की और साउथ अफ्रीका में भी सप्लाई होता है। ये है अपना दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, साथ में टेस्टिंग लैब, जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं उसका टेस्टिंग भी यहाँ पे किया जाता है।
दोस्तों ये वो फूल प्लांट है, ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसमें वो सारा प्रोसेस होता है जो अपने प्लांट में होता है, यहीं पे रिसर्च करके प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है और उसके बाद वो प्रोडक्ट जाता है खेतों में, जहाँ पे कि चेक किया जाता है कि ये प्रोडक्ट सही मायने में काम करता है अथवा नहीं करता है, और तब जाके इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो दोस्तों आप देख लें अपने रिसर्च लैब में सारा अत्याधुनिक मशीन लगा हुआ है, और अपने रिसर्च लैब में चेक होने के लिए प्रोडक्ट इंडिया के बाहर से भी आते हैं। अब आप इसी से अनुमान लगा लें दोस्तों कि जब अपना प्रोडक्ट यूएसए जैसे कंट्री में जाता है तो यूएसए अपने आप में एक बहुत ही जागरूक देश है, और यूएसए में जो प्रोडक्ट चल गया वो समझ लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में। ये जो मशीन आप देखें ये डिस्टिल वाटर तैयार करने का मशीन है, तो मैं बात कर रहा था कि जो प्रोडक्ट यूएसए में चल गया वो पूरे वर्ल्ड में चल सकता है, क्योंकि यूएसए का कानून सबसे सख्त कानून है हर चीज़ के मामले में, और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व किरण ये सॉरी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं, रविंद्र सिरोडे जी, इनके बारे में जितना भी बताया जाए बहुत ही कम है। ये हमें बता रहे हैं आगे के विषय में कि किस तरह से हरित संजीवनी हरित क्रांति लाएगा हमारे देश में, किस तरह से ये प्रोडक्ट हमारे किसानों के ज़िंदगी को बदलेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें हमारा भी योगदान बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि दोस्तों यदि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमारे देश के कृषि व्यवस्था को हमें ठीक करना पड़ेगा। आज जो केमिकल के इस्तेमाल से हमारी जो ज़मीनें बंजर हो रही है या फिर हमारे लोगों का जो स्वास्थ्य खराब हो रहा है, यदि उसको ठीक नहीं किया गया तो आने वाले समय में जो वस्तु स्थिति होगी वो और भी भयानक होगी, क्योंकि आप देखें यदि आयु के मामले में इंडिया सबसे पीछे जा रहा है। आज जापान के लोग जहाँ 100-125 साल जीते हैं, वहीं इंडिया में एवरेज आयु आज के डेट में लगभग 60 से 65 साल तक सिमट के रह गई है दोस्तों, और इसका जो सबसे मुख्य कारण है वो है हमारा खान पान, जो हम केमिकल से इस्तेमाल किए हुए प्रोडक्टों को खाते हैं। तो आज हरित संजीवनी ऐसे काम कर रहा है जहाँ पे कि लोग केमिकल मुक्त खाना खाएं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी इंडिया के टॉप 5 कंपनी में स्थान रखती है। तो इसी के साथ हम अपने संवाद को समाप्त करेंगे। जय आरसीएम।